नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है मेरे ब्लॉगिंग कोर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ब्लॉगर सही है या वर्डप्रेस। जी हाँ, अगर बिगिनिंग में ही आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो फिर काम करने का मजा अलग होता है, और आपकी जो अगर शुरुआत अच्छी हो तो फिर अंजाम भी अच्छा ही होता है। तो इसी सोच के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कोर्स आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस के बारे में, कि अपना जो वेबसाइट है, अपना जो ब्लॉग है, वो किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया जाए, वर्डप्रेस पे स्टार्ट किया जाए या ब्लॉगर पे स्टार्ट किया जाए। ब्लॉगर गूगल के द्वारा चलाया जा रहा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट करके अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। वर्डप्रेस पेड है, उसके लिए आपको होस्टिंग जो है वो खरीदनी पड़ती है, डोमेन आपको लेनी पड़ती है, तभी आप वर्डप्रेस पे एक साइट डेवलप कर पाते हैं, एक ब्लॉग स्टार्ट कर पाते हैं। दोनों के जो है एडवांटेज है, क्योंकि ब्लॉगर फ्री है, उसमें पैसे नहीं लगता है, तो अगर आपको बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही है, आपके पास पैसों की कमी है, तो ब्लॉगर के साथ आप जा सकते हैं। बिल्कुल फ्री सर्विस है गूगल के द्वारा, और गूगल यहाँ पे आपको सारा जो फैसिलिटी है वो मुफ्त में प्रोवाइड करवाता है। तो सिंपली आपको ब्लॉगर पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप अपने किसी भी जीमेल के साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद वहां पे सारा कुछ जो है आपको सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को वहां पे सेटअप कर सकते हैं। आपका साइट वहां रेडी होता है, उसके बाद आप उसे गूगल में रैंक भी करवा सकते हैं। वर्डप्रेस पे भी आप सेम चीज करते हैं। वर्डप्रेस पे आपको होस्टिंग एंड डोमेन बाय करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे फ्री सर्विस नहीं है, सब कुछ आपको लेना होता है। लेने के बाद आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, सेटअप करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और पब्लिश करते हैं। वर्डप्रेस पे भी पब्लिश किया हुआ साइट जो है वो विजुअली काफी अच्छा दिखता है, और वर्डप्रेस का जो साइट है वो भी अच्छा दिखता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सिमिलैरिटी है, फिर किस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए? तो दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए है, लेकिन आपको वर्डप्रेस में थोड़ी सी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिसे यूज करके आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। वहीं ब्लॉगर पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप स्किल्ड हैं, आपको पता है कैसे आर्टिकल राइट करनी है, कैसे टेक्निकल एसईओ करनी है, कैसे ऑफ पेज एसईओ करनी है, अगर आपको नॉलेज है, आप ब्लॉगर की मदद से भी अपने साइट को रैंक करवा सकते हैं। वर्डप्रेस पे आपको बहुत कुछ बना बनाया हुआ मिल जाता है। आप कुछ गलती कर रहे हैं, उसे बताने के लिए आपके पास प्लगइन्स है। प्लगइन्स आपको बता रहे हैं कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। तो थोड़ा कम स्किल वाले जो लोग होते हैं वो भी आसानी से वर्डप्रेस पे काम कर लेते हैं। लेकिन वर्डप्रेस एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, वहां पे फ्री में आपको सर्विस नहीं मिलती है, आपको होस्टिंग एंड डोमेन के पैसे देने होते हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ब्लॉगर के साथ जाएंगे, ब्लॉगर पे ब्लॉग स्पॉट डोमेन जो है वो फ्री पे मिलता है, लेकिन आप एक डोमेन एटलीस्ट बाय कर ले, ताकि जब आपकी साइट बड़ी हो, आपकी साइट की ऑथोरिटी स्ट्रांग हो, तो आपका जो डोमेन हो उसकी भी ऑथोरिटी जो है साइट के साथ बढ़े, क्योंकि डोमेन की ऑथोरिटी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तभी आपकी जो साइट है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाएगी। और ब्लॉग स्पॉट जो .com जो आपको मिलता है उसकी ऑथोरिटी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, क्योंकि बाद में जब आपका साइट ग्रो होगा, जब आप बड़े वेबसाइट के ऑनर बनेंगे, तो आप चाहेंगे कि आप अपने वेबसाइट को वर्डप्रेस पे माइग्रेट करें, ताकि आपकी भी जो वर्क है वो ईजी हो जाए। तो उस वक्त आपका जो डोमेन है, अगर आपने बाय किया हुआ है, तो फिर माइग्रेट करने में काफ़ी आसानी होती है, वरना फिर आपको नया डोमेन सेट करना होगा और आपके जो साइट की ऑथोरिटी है वो वीक हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चूज करें, ब्लॉगर को करें या वर्डप्रेस को करें, वर्डप्रेस पे तो आपको डोमेन लेनी ही लेनी है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे भी करते हैं तो डोमेन जरूर बाय करें, और उसके बाद आप ब्लॉगर को यूज कर सकते हैं, होस्टिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। आगे आने वाले वीडियोज में मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे आप जो है वेबसाइट को डेवलप करना है, कैसे ब्लॉगिंग को शुरू करना है, कैसे आप अपने साइट को रैंक कर सकते हैं, कैसे गूगल सर्च कंसोल में अपने साइट को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे गूगल एनालिटिक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट सेटअप, कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं,
सब कुछ आप जान पाएंगे। तो होप आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं वर्डप्रेस के साथ जाइए, और अगर आप बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अभी आप बिल्कुल स्किल्ड नहीं हैं, ब्लॉगर को आजमाइए, शुरू कीजिए, और धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपको नॉलेज हो चुकी है, अब आपको बहुत कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आ चुकी है, फिर आप माइग्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और इस तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्लॉगिंग कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।